हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एस बी जी चैनल में तो दोस्तों एक गुड न्यूज आपके सामने निकल कर आ रही है एमपी स्टेट ओपन स्कूल क्लास फिफ्थ और एट क्लास का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है समय सारणी जारी कर दी गई है परीक्षा तिथि आपके एग्जाम कब से होने वाले हैं उसको जारी कर दिया गया है किस स्कूल का जारी किया गया है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल भोपाल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है इनको इसको किस तरह से देखना है किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ तो जो भी चैनल पहली बार विजिट करें रिक्वेस्ट करूँगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन कर को दबा लेना है वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि हमारी पाँचवीं क्लास की और आठवीं क्लास की जो परीक्षा है वो कब से स्टार्ट होने वाली है तो दोस्तों जो टैन टेबल है जारी किया गया है पी के रूप में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों और हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो एग्ज़ाम है पाँचवीं क्लास के और जो आठवीं क्लास के एग्ज़ाम में कब से स्टार्ट होने वाले हैं तो दोस्तों यार वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करके देखना है जिससे क्या है आपसे एक भी जो क्वेश्चन होते हैं वो मिस ना हो फिर आपके मन में जो डाउट होते हैं वो सारे के सारे डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएं ओके दोस्तों तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके हमारा जो टैंटेबल कब से स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों इसमें क्या क्या लिखा गया है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल प्राथमिक यानी कि पांचवी और पूर्व माध्यमिक आठवीं स्वधायी परीक्षा वर्ष 2020 समय सारिणी दिनांक दिन विषय दिन, कच्चा प्राथमिक पाँचवीं सबसे पहला जो कॉलम दिया गया है वो पाँचवीं क्लास का दिया गया है दूसरे नंबर पर जो कॉलम दिया गया है वो आठवीं क्लास के सब्जेक्ट का दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर जो टाइम भी बोला गया है टाइम दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आपको कि आपके जो एग्ज़ाम वो होंगे आठ बजे से लेकर साढ़े दस बजे तक सुबह के आठ बजे से लेकर आठ से लेकर दोस्तों सुबह के साढ़े दस बजे तक आपके एग्जाम होने वाले हैं तो कब से एग्जाम होंगे आठ बजे से साढ़े दस बजे तक ओके दोस्तों एट ता, टाइम जो हमारा क्लियर हो गया है अब हम बात करते हैं हमारे जो एग्जाम है कितनी तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों तो कितनी तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं दोस्तों पंद्रह अप्रैल पंद्रह अप्रैल दो से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चौदह अप्रैल चौदह चौदह अप्रैल से लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाएगा और पंद्रह अप्रैल से हमारी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होना हो जाएंगे शुरू हो जाएंगे स्टार्ट होना ओके और जो दिन रहने वाला है वो रहने वाला है बुधवार यानी कि पंद्रह अप्रैल को हमारे जो एग्ज़ाम है बुधवार से स्टार्ट हो जाएंगे इसमें जो सबसे पहला एग्जाम होगा दोस्तों वो होगा मैथ का मैथ का हमारा एग्जाम होगा दोस्तों मैं इसको जूम कर लेता हूँ दोस्तों अब अच्छे ही समझ में आएगा हमारा जो पहला जो एग्ज़ाम होगा वो मैथ का होगा और दूसरा होगा और आठवीं क्लास का जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश का होगा सोलह तारीख को जो एग्ज़ाम होगा गुरुवार को वो हिंदी विशिष्ट और आठवीं क्लास का होगा वो संस्कृत का एग्जाम होगा और सत्रह तारीख को शुक्रवार को दोस्तों पाँचवीं क्लास का कोई भी एग्जाम नहीं है कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा पाँचवीं क्लास का और आठवीं क्लास का वो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी का होगा अठारह अप्रैल अठारह अप्रैल यानी कि शनिवार को जो एग्ज़ाम होगा पर्यावरण का होगा पाँचवीं क्लास का और आठवीं क्लास का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा विज्ञान का साइंस का एग्जाम होगा और उन्नीस तारीख को संडे इस वजह से आपकी छुट्टी रहेगी बीस तारीख को सोमवार को अंग्रेजी का एग्जाम होगा और आठवीं क्लास का रहेगा वो सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम रहेगा ओके इक्कीस तारीख को दोस्तों इक्कीस तारीख को जो आपका एग्जाम होगा पाँचवीं क्लास का कोई भी एग्जाम नहीं होगा और आठवीं क्लास में भी कोई भी एग्जाम नहीं होगा यानी कि एक तरह से देखा जाए 21 तारीख की आपकी रहेगी छुट्टी 21 तारीख को कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा बाईस तारीख को बुधवार को आपका पाँचवीं क्लास का भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा और आठवीं क्लास को रहेगा आपका मैथ का एग्जाम क्योंकि पाँचवीं क्लास में ओनली चार सब्जेक्ट होते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम चलेंगे ओनली चार दिन और आठवीं क्लास के जो सब्जेक्ट रहते हैं चाहे एक दो तीन चार पाँच छः तो वो चलेंगे छः दिन और एक दिन का आपको बीच में गैप है इक्कीस तारीख को और एक आपको संडे का गैप है और देखते हैं इसमें क्या -lly? क्या दिया गया दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट जरूर करना है दोस्तों के साथ में अपने आपके जितने भी छोटी छोटी दोस्तें हैं पाँचवीं क्लास वाले और जो आठवीं क्लास वालों जो भी आपके दोस्त हैं यार वीडियो को तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना है आपके दोस्तों के साथ ओके दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इस एग्जाम को कौन कौन देख सकता है आपके मन में क्वेश्चंस होते होंगे किस एग्जाम को ओनली वही कैंडिडेट दे सकते हैं जिनकी आयु चौदह वर्ष की पूरी हो चुकी है जो जो चौदह वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं साथ ही किसी भी अन्य स्कूल में या अन्य शाला में प्राथमिक या माध्यमिक में दर्ज नहीं होते हैं अथवा यानी कि जो शिक्षा है वो पूर्व इस शिक्षा को या इस एग्जाम को देने से पहले वो अन्य किसी भी स्कूल में एडमिशन लिया है तो उसको त्याग कर देती हैं और इनकी जो परीक्षा रहती हैं वो जिला स्तर पर रहती हैं आपका जो भी ज़िला रहता है उस जिला स्तर पर जो भी परीक्षा केंद्र बनाया जाता है उसी परीक्षा केंद्र पर आपके एग्ज़ाम होते हैं यानी कि जैसे कि आपका कोई भी एक जिला है और ज़िले में जो परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा उसी परीक्षा केंद्र पर आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों और जो एग्ज़ाम कैसे होगा दोस्तों इसके लिए आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो पड़ेगा एडमिट कार्ड को किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा दोस्तों जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे जैसा कि फ़ोन नंबर पैरा में आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त करना है यानी कि आपको एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र डाउनलोड करके आपके परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त करें यानी कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर पड़ा है विद्यार्थी को निर्धारित परीक्षा केंद्र पर, पर प्रवेश पत्र दिखाने पर ही आपको प्रवेश दिया जाएगा अगर आप प्रवेश पत्र नहीं ले जाते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी आपके एग्जाम सेंटर में ओके और आपको कुछ भी नहीं करना है जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि एडमिट कार्ड आ गए हैं जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं मैं आपको बता दूंगा आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे क्या है जब भी मैं एडमिट कार्ड का वीडियो डालूँ वो आपसे मिस ना हो पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है ओके दोस्तों इसका दोस्तों स्क्रीन ले लीजिए आप इसका स्क्रीन ले लीजिए जिससे क्या है आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पाँचवीं क्लास का और आठवीं क्लास का टाइम टेबल का ओके दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है जिससे आपके पास रहे नहीं तो मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा ओके दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों तो मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक लिए बाय